बच्चों गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर आपका नाम देखो, द स्नेक एंड द मिरर, ये चैप्टर बच्चों पिछली क्लास में आपको पढ़ाना शुरू किया था हमने, और आप ये देख रहे हैं कि इस चैप्टर में बच्चों कितना पार्ट आपको पढ़ाया जा चुका है। आपने देखा कि बच्चों ये जो चैप्टर है इसका फर्स्ट पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ ये आपको जो है ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। तो आज बच्चों क्या होगा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पैरा। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट। बच्चों पिछली क्लास में बताया था कि इसके पास सिर्फ एक जोड़ा कोट था, तो यहां पर आपको बताया गया कि आई टुक ऑफ। ध्यान दो, टेक ऑफ क्या होता है? टेक ऑफ बच्चों एक फ्रेजल वर्ब है। टेक ऑफ यानी क्या होता है, देखो इसके कितने मीनिंग होते हैं। टेक ऑफ के दो मतलब होते हैं बच्चों। एक तो क्या होता है, जैसे आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट का मतलब मैंने अपना जो काला कोट है उसको क्या किया, एक तो पहना और एक उतारा। एक तो पहना उतारा, जब आप बच्चों पहनते हो तो यहां टेक ऑफ का मतलब उतारना हो गया है। आगे बात समझे, टेक ऑफ यानी क्या बताया, आपको बता दिया उतारना। और एक टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे द प्लेन टुक ऑफ, तो प्लेन ने उतारा, ऐसा नहीं प्लेन ने उड़ान भरी। आप देख रहे हैं बच्चों ये जो टेक ऑफ है इसके दो मीनिंग है, ठीक है। एक तो प्लेन क्या करता है, टेक ऑफ करता है, तो आप कहते हो प्लेन ने उड़ान भरी या उड़ान भरता, क्लियर हो गया। और दूसरा मतलब इसका क्या हो गया है, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, अर्थात मैंने अपनी काली कोट जो क्या करी, शरीर ब्रशे उतारी, ठीक है। अब बच्चों इसका अपोजिट देखो आप, तो क्या होता है, जैसे टेक ऑफ है तो आप किसी चीज को पहनते हैं तो आप क्या बोलते हैं उसको, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज को पहनना या धारण करना, या डब्ल्यू ई ए आर वीयर यानी भी क्या होता है, किसी चीज को पहनना या धारण करना। तो बच्चों दीज आर द एंटोनिम्स, ये एंटोनिम्स हैं, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो टेक ऑफ का मतलब बताया। ऐसे बच्चों एक शब्द होता है पुट ऑफ, जानते हो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ। एक होता कॉल ऑफ, ये क्या है बच्चों, दीज आर फ्रेजल वर्ब्स। तो जैसे हम कहते हैं द पिकनिक वॉज कॉल्ड ऑफ, इसका मतलब है द पिकनिक वॉज कैंसल्ड। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू एडजर्न, अर्थात कैंसिल हो जाना, कोई चीज कैंसिल हो जाती है, निरस्त। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे, निरस्त होना। आ गया समझ में। और जो ऊपर लिखा हुआ पुट ऑफ, जैसे मैं कहता हूं द फायर वॉज पुट ऑफ, आग को शमित कर दिया गया, अग्निशमन, शमन माने बुझा देना, ठीक है, बुझाना। अब बुझाने में बच्चों दो बातें हैं, देखो यहां तो बुझाना लिख दिया आपने, अब यही जो बुझाना है ये देखना आप, बुझाना हो गया, तो बुझाने का एक अर्थ हो गया पुट ऑफ। तो पुट ऑफ का मतलब बच्चों जब आग बुझाते हो तो क्या आता है, पुट ऑफ आता है, लेकिन जब प्यास बुझाते हो तो क्वेंच आता है, क्यू यू ई एन सी, दोनों का माने बुझाना है। लेकिन बच्चों आप जानते हो अर्थ में बड़ा फर्क होता है, दोनों का मतलब बुझाना है, लेकिन कई बार जैसे बच्चों आप कहते हो कपड़ा, आपको बताता हूं मैं उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं, आप कई बार कहते हो जलना। अब जलने में क्या होता है, एक तो आपने दिया सलाई, या जैसे मान लो आप यूं कह सकते हैं कि आपने, जैसा कि चैप्टर में आगे लाइन आ रही है, आपने बीड़ी जलाई, तो बीड़ी जलाई के लिए बच्चों बर्न का प्रयोग नहीं करके आप क्या करोगे, लाइट का प्रयोग करोगे, ही लाइटेड, या कह सकते हैं ही लिट द बीड़ी, क्लियर हो गया। ओके, एक जलाना है, दूसरा बच्चों जिसे आपने दिया जलाया, लाइटेड द लैम्प, क्लियर है। लेकिन बच्चों अगर आपने आग जलाई, बर्नड फायर, बर्नड फायर, आग जलाई, तो जलाने के लिए बर्न का प्रयोग हो रहा है। उसी तरीके से कई बार बच्चों आप क्या कहते हो, आपने जैसे मान लो कोई खाना खाया, मिर्ची ज्यादा, आप क्या बोलते हो, जीभ जल गई, तो वहां बच्चों बर्न का प्रयोग थोड़ी करोगे, वहां आग से थोड़ी जली है वो, है ना। तो क्या है कि प्रसंग के हिसाब से आपको शब्दों का मीनिंग निकालना चाहिए। तो यह बुझाने का मतलब बच्चों जब आपकी प्यास बुझाई जाती है, प्यास, तो आप क्या बोलते, क्वेंच थ्रस्ट, क्वेंच थ्रस्ट। तो प्यास बुझाई जाती है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हो, क्वेंच का। जब आग बुझाई जाती है तो आप किसकी का प्रयोग करते हो, पुट ऑफ का। ध्यान देना, सेंटेंस है बच्चों आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, अर्थात मैंने अपना काला कोट क्या किया बच्चों, मैंने अपना काला कोट उतारा, क्लियर है। तो कोट का मतलब क्या होता है बच्चों, कोट आप जानते हो, जरा ध्यान देना, कोट के बारे में कितने शब्द बताता हूं आपको। देखो सी ओ टी, ये बच्चों कोट है, जानते हो कोट यानी क्या होता है,
कॉट का मतलब जो खाट होता है, चारपाई, पर्यंक, कॉट, क्लियर? ओके, एक शब्द में जो कैच, कॉट, कॉट, तो कैच यानी पकड़ना, तो कॉट यानी क्या हो गया, पकड़ा, ओके। और जो एक कोट कौन सा गया, एक आता सी ओ यू आर टी, कोट, कोट, ये कोट बच्चों के दो मतलब होते हैं। एक तो सब जानते हो कोर्ट यानी अदालत होता है, लेकिन दूसरा आप नहीं जानते हो, दूसरा बच्चों प्रेम करना भी होता है, कोर्टिंग सीजन होता है, प्यार की ऋतु होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल कोर्टिंग सीजन, क्लियर? तो कोर्ट शब्द बच्चों ये दो मीनिंग लेता है, वर्ब के सेंस में तो ये प्रेम करने या रोमांस करने का मीनिंग देता है, लेकिन ये नाउन के सेंस में अदालत या दरबार या न्यायालय का मीनिंग देता है, क्लियर है? और आगे आपने बच्चों जो कोर्ट पढ़ा वो कौन सा पढ़ा, सी ओ ए टी, इसके भी दो मीनिंग है। कोर्ट एक तो आपने देखा सर्दियों में आप पहनते हैं, एक बच्चों दीवार के ऊपर क्या करते हो, आप पतली झल्ली चढ़ा देते हो, उसको कोटिंग कहते हैं, कोट करते हो आप उसको, ठीक है? एरिया तो इतनी सारी बातें आपने जानी। अब बच्चों जरा देखो, आई टू को माई ब्लैक कोट, इर्दाद मैंने अपना काला कोट जो क्या किया उतारा, व्हाइट शर्ट और अपना सफेद कमीज भी उतारा, एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट, और बच्चों मैंने अपना बनियान भी उतारा। जानते हो वीई एस टी वेस्ट यानी क्या होता है, जरा ध्यान दो बच्चों, वीई एस टी वेस्ट का मतलब क्या होता है ये भी जानो, और साथ में कुछ और भी जानो। देखो, एक डब्ल्यू एस टी वेस्ट यानी क्या होता है, दूसरा डब्ल्यू एस टी वेस्ट यानी क्या होता है, तीसरा डब्ल्यू एस टी वेस्ट यानी क्या होता है, और चौथा बच्चों वीई एस टी वेस्ट यानी क्या होता है। दीज ऑल आर पेरोनिम्स, ये सारे बच्चों शब्द युग्म है, इन सब का उच्चारण या इन सब का जो प्रोनंसिएशन है वह करीब करीब एक जैसा है। पहला वाला है बच्चों, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य प्राची में उदय होता है और प्रतीची में क्या होता है, अस्त होता है। तो इसका माने क्या हो गया, प्रतीची, क्या मतलब हो गया बच्चों, प्रतीची हिंदी का शब्द है। अब इसका प्रतीची क्या होती है तो आपको आना चाहिए, ये हिंदी का शब्द है बच्चों, ठीक है? इस प्रतीची को हिंदी में अन्यथा वारुणी भी कहते हैं, वारुणी, ठीक है बच्चों, दिस इज द नेम ऑफ अ डायरेक्शन, एक दिशा का नाम, क्लियर? नेक्स्ट, ये बच्चों वेस्ट है तो आप जानते हो, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम, कृपया अपना बेशकीमती समय जाया न करें, तो यहां मैंने वेस्ट शब्द बोला है, तो इसका माने जाया करना होता है। क्या होता है बच्चों, जाया करना यानी गंवाना। ओके, आगे और देखो, ये डब्ल्यू ए आई एस टी वेस्ट यानी क्या होता है, वेस्ट का मतलब बच्चों होता है लॉइन। अब आपको भी सभी लॉइन क्या है, लॉइन यानी तो शेर होता है, नहीं बच्चों जरा स्पेलिंग देखो, एल आई ओ एन लॉइन माने शेर होता है, एल ओ आई एन लॉइन माने शेर नहीं होता, एल वाई एन लॉइन माने होता है बच्चों कमर। क्या होता है, ये जो आपकी कमर, जिसे अन्यथा आप कटी भी कहते हैं, जैसे कटी विंध्याचल सिंधु चरण तल महिमा शाश्वत गाता, तो कटी प्रदेश, क्लियर हो गया है? तो बच्चों लॉइन लॉइन का फर्क समझो, एल आई ओ एन है तो शेर है, बब्बर शेर, बब्बर शेर, ओके। दूसरा एल वाई एन लॉइन मानी क्या है, कमर है। तीसरा एल आई एन ई लाइन मानी क्या होता है, लाइन में है आप लाइन में है, तो लाइन का मतलब पंक्ति या कतार होता है, क्यू, ओके। अब बच्चों अंतिम शब्द बोला मैंने वेस्ट, ये शब्द बच्चों क्या होता है आप जानते हो, जो अंडर गारमेंट होते हैं, नीचे पहनते हैं ऊपर पहनते हैं, तो ऊपर जो हमारी कमीज के नीचे बनियान पहनते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल वेस्ट। आप उसको क्या बोलते हो, वेस्ट बोलते हो, जैसे जांघिया बनियान इस तरीके से बोलते हो आप, है ना? तो बच्चों जरा देखना, यह लिखा हुआ है जी, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, यह बच्चों ये जो वेस्ट है इसके पहले इसने एक एडजेक्टिव दिया है, नॉट सो वाइट, इसका मतलब जानते हो, ये कहना चाह रहा बच्चों कि इसका बनियान जो है वो उतना सफेद नहीं था, क्योंकि हमारे बनियान में क्या प्रॉब्लम होती है बच्चों, पसीने आते हैं तो थोड़ी बहुत क्या है कि आजू बाजू भी पीली हो जाती है, और खांखों की स्थिति तो थोड़ी भी खटी रहती है, आर्मपिट्स जो है वहां तो पसीने आते हैं, तो आपका सूती बनियान जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पीला पीले कलर का हो जाता है ना? तो वो यही बात कहना चाह रहा है कि मेरा जो बनियान था वह इतना ज्यादा सफेद नहीं था, क्योंकि नहीं होता है, और फिर रोज रोज नहीं धोओगे तो फिर नहीं होगा, है ना? तो बच्चों ये बातें हैं, बताइए, आइए देखना, आप लिखा हुआ है जी, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप, एंड हंग देम अप का मतलब, और बच्चों सब उतारे मैंने, क्या उतारा, पहले अपना कोट उतारा, उसके बाद क्या उतारा, अपनी वाइट शर्ट उतारी, उसके बाद क्या उतारा, अपना नॉट सो वाइट वेस्ट उतारा, एंड हंग देम, और उन सबको बच्चों क्या किया, एंड हंग देम का मतलब होता है, और मैंने उन सबको जो है हंग देम अप यानी उन सबको मैंने क्या, टांग दिया, किसके ऊपर, जैसे बच्चों कोई एक होती है क्या टांगने के लिए, हम क्या करते हैं, हैंगर वेंगर तो कुछ होगा नहीं इसके पास, ये तो ऐसे ही रहता था मकान में, तो इन्होंने क्या बना रखा होगा, कोई डोरी
बांध रखी हो जी, और उस पर इन्होंने ये सब टांग दी। अब बच्चों एक विशेष बात है जिसमें गौर फरमाने की आवश्यकता, हैंग यानी तो बच्चों सब जानते हैं, हैंग यानी होता है किसी चीज को लटकाना, और इसी से बना हैंगर। क्या बना इसी से? आगे और देखो। अब बच्चों हैंग हो गया, अब सेकंड फॉर्म क्या हो जी? ये हो गई हंग, और सेकंड थर्ड भी क्या हो जाएगी? हंग। ये तो आपको पता है, लेकिन आपको जो पता नहीं है बात बच्चों वो ये है कि एच ए एन जी हैंग यानी क्या होता है? हैंग का मतलब होता है बच्चों क्रूसीफाई। अब आप नहीं जानते होंगे क्रूसीफाई क्या होता है, हिंदी में बता देता हूं, सूली पर चढ़ाना, फांसी पर चढ़ाना, इसको बोलते हैं। जैसे आपको पता है जो लॉर्ड जीसस क्रिस्ट है, भगवान ईसा मसीह है, ईसाई लोग कहते हैं, तो उनको क्या है बच्चों? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब आपको ताज्जुब हो गए सुनकर के, जान करिए क्या भगवान को भी फांसी पर चढ़ाया जा सकता है? अब जो भगवान थे या नहीं थे तो वही जाने, इस धर्म वाले, इस पंथ, इस पंथ वाले ही जाने, पर इतना जरूर है कि उनके भगवान को क्या कर दिया गया था? फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तो ये हैंग है बच्चों। अब इसकी सेकंड फॉर्म में देखो अंतर आ रहा है, यहां हैंग्ड आएगा, ये ध्यान देने वाली बात है, हैंग्ड, और यहां क्या आएगा? हैंग्ड। अंतर समझ में आ गया होगा। एक तो होता है हैंग, हंग, हंग, जिसका माने सिर्फ लटकाना होता है। दूसरा होता है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, उसका माने क्या होता है? सूली पर चढ़ाना। जैसे वो हैंग्ड टिल डेथ, यानी उसको सजा दी जज ने, और मौत जब तक वो मर नहीं जाए तब तक उसको क्या करो? उसको फांसी पर लटका के रखो। इस तरीके की सजाएं देते हैं, जज देते हैं। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, ये फिर पार्ट सिंपल है, स्टोरी पार्ट सिंपल में चलती है। तो आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम का मतलब कमरे के अंदर जो दो वातायन थे मैंने उनको क्या किया? खोल दिया, उद्घाटित कर दिया, खोल दिया। क्लियर हो गया? खिड़कियां खोल दी। रोज एन आउटर रूम, ये कमरा कैसा था बच्चों? ये कमरा एक आउटर रूम का मतलब बाहर वाला कमरा था। ये बाहर वाला आप जानते हो बच्चों, अगर आप चित्र देख रहे हो तो आप देख रहे हो ये मकान किस तरीके का बना हुआ है। ये मकान पुराने जमाने में जो झोपड़ियां होती थी, झोपड़ियां, तो उसमें क्या होता था? एक चांदा इधर, एक चांदा इधर। उन दीवारों को चांदा कहा जाता था, और उन चांदों के बीच में क्या होता था बच्चों? उन चांदों के बीच में ऊपर क्या होता था? एक बलिंडा होता था। वो बलिंडा किसका होता था? शैतीर कहते हैं आप उसको, है ना, आप हिंदी उर्दू का शब्द है शैतीर। और उसके ऊपर बलिंडे के ऊपर क्या करते हो कि बलिंडा होता है, और उसके ऊपर छपरा इधर भी उधर भी, तो कौन शेप में होता है? तो बारिश वगैरह आती है तो पानी इधर से आराम से क्या होता है कि उसकी जो चैलाड़ है उसमें से पानी जो है बहता रहता है। इस तरीके की बातें हैं, ये लोकल चीजें बच्चों हम जानते हैं, हमसे ज्यादा कौन जानेगा। तो आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, मैंने उस कमरे के अंदर जो स्थित दो खिड़कियां थी उनको मैंने खोला। इट वॉज एन आउटर रूम, इट वॉज एन एक्सटर्नल रूम, ये कमरा एक्सटर्नल था, इंटरनल नहीं था। विद वन वॉल फेसिंग, और बच्चों एक दीवार इसकी क्या कर रही थी? वन ऑफ इट्स वॉल्स वॉज फेसिंग द ओपन यार्ड, अर्थात बाहर वाला कमरा है तो इसकी जो एक दीवार है बच्चों वो सामने जो खुला मैदान है उस खुले मैदान से रूबरू हो रही थी, या उस खुले मैदान से क्या हो रही थी बच्चों? उसको फेस कर रही थी, उसका उसकी ओर उन्मुख थी। क्लियर हो गया है? अब बच्चों आगे देखना, मकान को समझा रहा है। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है गेबल्स? जरा देखना, इस चित्र को देखोगे तो ये चीज आपकी लाइन समझ में आएगी, ऐसी लाइन आपकी आज समझ में आएगी, न कल समझ में आएगी। तो देखना क्या लिखा हुआ है, जो सेंटेंस है चित्र को भी जरा गौर से देखेंगे आप। ये कह रहा है कि देखो आपका चित्र कुछ यूं है, इस तरीके से आपका ये मकान, कोई दिक्कत? अब इस मकान में क्या है जो, इधर डोली और इधर एक डोली दीवार है, और इधर ऐसी कोई झोपड़ी ओपड़ी, ऐसी मामला है ये, ठीक है। अब जो आप ये देख रहे हो कि ये कमरा बाहर वाला था, और इधर जो खुला मैदान है ये खुले मैदान को क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। अब बताइए, इट हैड अ टाइल्ड रूफ, पहली बात इसकी जो रूफ है बच्चों वो कैसी थी? टाइल्ड थी, तो टाइल्ड का मतलब जानते हो, टाइल लगी हुई रूफ थी इसकी, छत रूफ। अब बच्चों एक बात और समझो, दो बातें हैं, ये मकान है आपका, अब इस मकान में बच्चों ये छत है ना, तो ये छत है तो इस ऊपर वाली छत को आप कहते हैं RWF रूफ, और जो नीचे वाली छत है इसको आप कहते हैं सीलिंग। क्या बोलते हैं बच्चों जरा बताना? इसे सीलिंग कहते हैं, ध्यान दो। इसीलिए आप कभी भी रूफ फैन नहीं बोलते हो, आप सीलिंग फैन बोलते हो। सीलिंग फैन का मतलब छत वाला पंखा होता है, लेकिन जैसे मान लो बच्चे छत पर खेल रहे हैं तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द सीलिंग, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रूफ। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बच्चों ये सीलिंग है ना, इसके ऊपर तो लटकना पड़ता है, कैसे बताओ आप बच्चे कैसे खेलेंगे? वो तो रूफ पर ही खेलेंगे, और पंखा बताओ ऊपर लगाओगे तो फिर आपका मकान हवाई जहाज हो जाएगा। एनी ऑफ, तो जरा आपको बात को समझना है। यह बताया गया कि इट हैड अ टाइल्ड रूफ, अर्थात इसकी जो रूफ थी वो कैसी थी बच्चों? उस पर टाइल लगी हुई थी, विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, और बच्चों इसके अंदर जो है लंबे क्या थे? गेबल्स थे। अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ,
तो बच्चों गेबल कौन से पार्ट को बताया गया है? इस वाले पार्ट को ये गेबल कह रहा है। चित्र में आप सब सब देख रहे हो, तिकोना है, तिकोना, इसको कोनिया भी बोलते हैं, कोनिया। तो बच्चों इटेड टाइड रोप विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल, इसके ऊपर एक लंबा बच्चों सपोर्ट देने के लिए गेबल गेबल था, है ना, रेस्टेड ऑन द बीम। और ये गेबल किसके ऊपर आराम फरमा रहा था? ये बच्चों इस बीम के ऊपर, आप जान रहे हो जैसे ये मामला है, तो ये ऐसा कुछ है, तो यहां पर कोई बीम है। बीम का मतलब शहतीर बोलते हैं आप इसको, क्या बोलते हैं? शहतीर। और अपने गांव की भाषा में बात करें बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं? थूणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थूणी, या बलिंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपर बलिंडा होता है, नीचे क्या होती है? थूणी होती है। थूणी और बलिंडो के ऊपर बच्चों क्या है टिका हुआ था? ऑन द बीम और द वॉल, माने दीवार के ऊपर क्या थी? जो शहतीर लगी हुई थी, उस शहतीर के ऊपर जो है सपोर्ट करने के लिए जो गेबल्स थे वो टिके हुए थे। मकान का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। आगे बच्चों आगे की लाइन को जरा ध्यान से सुनो, आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ है। आगे की लाइन में बच्चों जो भी लिखा हुआ है वो ये है, क्या? देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स। इस मकान में बच्चों चूहों का नियमित यातायात था। चूहे क्या आते थे जाते थे, ऐसा लगता था कि द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। ऐसा लगता था मानो चूहों के साथ में कमरे को शेयर करता था, दोस्त बन गए थे हम। तो रेगुलर ट्रैफिक था किनका? चूहों का, है ना। टू एंड फ्रॉम द बीम का मतलब ये हुआ बच्चों, टू एंड फ्रॉम द बीम का मतलब ये कि जो बीम है ना ऊपर वाली, जो शैतीर, इसके ऊपर से चूहों की क्या है, ये नियमित आवाजाही यहां बनी रहती थी। नियमित आवागमन, नियमित परिवहन या नियमित यातायात जो है किसका बना रहता था? चूहों का। चूहे खूब चहलकदमी करते थे। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। बच्चों आप देख रहे हैं क्या कि चूहों की लगातार आवाज आई थी, कहां पर से होकर के? उस शहतीर या वो जो बड़िंडा है उसके ऊपर से होते हुए क्या है, चूहों की लगातार आवाज आई थी। आई मेड माई बेड। ध्यान दो बच्चों, ये मेड जो अपने आप एक वर्ब है। अब आप पता है इसका मीनिंग क्या लगाओगे, आप इसका अनुवाद करोगे, आई मेड माई बेड का मतलब होगा मैंने अपना बिस्तर बनाया। लेकिन बच्चों बिस्तर आपने बनाया, बिस्तर आप कैसे बना सकते हो? बिस्तर विस्तर तो क्या है, खाती बनाता है, फर्नीचर वाला जो है वो बड़ा बुड़की देता है अपने को। तो यहां बच्चों मेड का मतलब क्या है? जैसे कई बार आप कहते हो डोंट मेक ए नॉइज, तो आप इसका मतलब वो करते हो, अनुवाद करते हो कि आप शोर मत बनाओ। नहीं बच्चों, शोर मत मचाओ। तो आपने क्या देखा, मेक एक ऐसा शब्द है ये कई मीनिंग्स देता है। जैसे ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ये तो मेट हो गया है। लेकिन मैं दूसरा बताता हूं आपको, शी मेड मी फूल, उसने मुझे क्या बनाया? बेवकूफ बनाया। ओके, शी मेड मी फूल, उसने मुझे बेवकूफ बनाया, तो मेड का मतलब क्या हो गया? बनाना। मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, तो जापान में निर्मित या इंडिया में निर्मित, तो निर्मित मीनिंग दे रहे हो। जब आप कहते हो प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, कृपया शोर मत बनाओ, तो अनुवाद क्या होगा? कृपया शोर मत मचाओ। तो आपने क्या देखा कि मेक का मतलब क्या निकल गया? मेक का मतलब बच्चों ये भी निकल गया, क्या? मचाना भी। अब मैं आपको कहता हूं बच्चों, एक सेंटेंस दे रहा हूं, जरा ध्यान देना, एक पोएम की लाइन है, आई लाई इन द बेड, आई हैव मेड। अब बच्चों इसका मीनिंग क्या होगा? देखो इसका मतलब यह है कि आई लाई, यानी आप इसका अनुवाद करते हो कि मैं झूठ बोलता हूं। कहां बोलता हूं? बिस्तर में बोलता हूं। तो ये तो जमा ही नहीं बच्चों, बिस्तर में झूठ बोलने का तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। तो आप इस बात को समझो कि लाई के दो मतलब होते हैं, झूठ बोलना भी होता है और लेटना भी तो होता है।
तो आप यहां झूठ बोलने वाला अर्थ लगाओगे तो आपका मीनिंग जो है वो सेट ही नहीं होगा। तो आपको कहना पड़ेगा आई लाई इन द बेड का मतलब मैं बिस्तर पर लेटता हूं, एक बात। हिंदी में आप कहते हो बच्चों बिस्तर पर, और पर को अंग्रेजी में कहते हैं ऑन, लेकिन अंग्रेजी में बच्चों ऑन द बेड नहीं होता, इन द बेड होता। बात समझ में आ गई? आई लाई इन द बेड यानी मैं बिस्तर में लेटता हूं। कौन से बिस्तर में? आई हैव मेड, अर्थात जो खुद मैंने ही क्या है लगाया है, बनाया नहीं है, जो खुद मैंने लगाया है, यानी वह बिस्तर जो मैंने खुद लगाया है, अर्थात वह शेज जो मैंने खुद तैयार की है, वह शैया जो मैंने खुद तैयार की है, मैं उसी में लेटता हूं। ये बच्चों कहावत है, इसका मीनिंग ये है कि मैंने जो जैसा बोया है मैं वैसा काटता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी करने का फल भोग रहा हूं, ऐसा मीनिंग है इसका। बात समझ में आ गई? तो यही क्या कहता है, आई मेड माई बेड, अर्थात मैंने अपना बिस्तर बनाया नहीं, मैंने अपना बिस्तर लगाया, एंड पुल्ड इट, और मैंने अपने बिस्तर को खींचा। पुल और पुश तो जानते हो बच्चों, किसी भी बड़े मकान में ऑफिस में घुसते हो तो कंपनी के लिखे जो ये प्रॉपर्टी वाले होते हैं जिनको दसवीं पास नहीं होते, इनके भी कमरे के बाहर लिखा होता पुल एंड पुश, तो हम जान जाते हैं। पुल माने चिन्ह बना देता वो, खींच लो, और पुश माने धकेलो। तो आप साइंस में पढ़ते हो किसी चीज को खींचते हो तो भी ऊर्जा अप्लाई करनी पड़ती है, और अगर आप किसी चीज को धकेलते हो तो भी आपको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है, दोनों स्थितियों में आपको एनर्जी अप्लाई करनी पड़ती है। तो बच्चों आई मेड माई बेड, अर्थात मैंने अपना बिस्तर बनाया, एंड पुट इट क्लोज टू द वॉल, और मैंने इसको थोड़ा जो डोरी है या जो दीवार है मैंने उसके करीब जो है अपने बिस्तर को खींचा। मैंने अपने बिस्तर को वहां खींचा, मैंने बच्चों अपने बिस्तर को दीवार के करीब खींचा। बच्चों क्लोज यानी तो बंद करना होता है, लेकिन क्लोज टू द वॉल का मतलब होगा दीवार के करीब। तो क्लोज माने क्या होता है बच्चों? क्लोज माने निकट भी होता है, जैसे अपन कहते हैं इज माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको बंद करता हूं, ऐसा थोड़ी होगा। इज माई क्लोज फ्रेंड का मतलब यह है कि वह मेरा जिगरी दोस्त है, इज माई बॉसम फ्रेंड। इज माई बॉसम फ्रेंड का मतलब वह मेरा जिगरी दोस्त है, वह मेरे जिगर में निवास करता है, तो आप उसको क्लोज कहते हैं। और क्लोज का मतलब बच्चों क्या होता है? प्लीज क्लोज, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, दुकान को बंद कर देगा, क्या हो गया है? समय हो गया है। तो क्लोज का मतलब बच्चों शट करना या बंद करना, ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है। तो वर्ब का सेंस ये अलग है। अब जरा आप देखो, यह बताया गया कि आई मेड माई बेड एंड पुट इट क्लोज टू द वॉल, अर्थात मैंने अपना बिस्तर लगाया और मैंने इसको दीवार के करीब खींचा। आई लेट डाउन, यहां भी बच्चों गौर करने वाली बात है, ये जो लाई है ना बच्चों, जरा ध्यान देना, लाई इसकी सेकंड फॉर्म होगी ले, और थर्ड फॉर्म क्या होगी बताओ? लेन होगी। अब मीनिंग समझो इसका, मीनिंग क्या बच्चों? लेटना है। इस सेंस में अगर बात करोगे तो इसका मीनिंग लेटना है। अब दूसरा मीनिंग बताता हूं, गौर करो, ये बच्चों बहुत कंफ्यूज करता है, ये एसएससी लेवल के एग्जाम्स भी सवाल कई बार पूछा जाता है। जब आपसे कहा जाता है कि मुर्गी रोज सोने का अंडा देती थी, तो इंग्लिश में बच्चों आप क्या बनाओगे? आप ये बनाओगे कि द हैन लेड, एल ए आई डी, लेड ए गोल्डन एग एवरी डे। तो यहां बच्चों आप जरा देखो, एल ए वाई ले मानी क्या होता? देना या रखना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी एल ए आई डी लेड, और इधर क्या होगी? लेड। अब बच्चों आपके दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए कि ले सेकंड फॉर्म भी होती है और फर्स्ट फॉर्म भी होती है। ये बच्चों सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब आप ये कहोगे सर कैसे पता चलेगा हमको कि ये फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म? बच्चों ये टेंस से पता चलता है। यदि ये फर्स्ट फॉर्म है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें ऐसे ही जुड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में तो जुड़ता है, और बच्चों अगर पास्ट सिंपल है तो नहीं जुड़ेगा। बातें समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है, टेंस को देख करके, आजू बाजू का कॉन्टेक्स्ट देख करके आपको पता लगाना पड़ता है कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म। एक बात और सुनो, लाई ले रहन हो गया है। अब बच्चों एक और देखो, ये लाई यानी फर्स्ट फॉर्म है लेटना, और सेकंड फॉर्म होगी लाइड, और थर्ड होगी लाइड। इसका माने क्या होता है बच्चों? इसका माने होता है झूठ बोलना, ठीक है, झूठ बोलना, ये भी वर्ब है। और ये जो बच्चों बताया था इसका मतलब होता है धरना या रखना, जैसे अपन कहते हैं मुर्गी रोज क्या करती थी, एक सोने का अंडा निकालती थी और उसको ग्राउंड के ऊपर धर देती थी, मेरा मतलब ये है कि वो देती थी, है ना, ऐसा है ना। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, है ना, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो टॉपिक है उसके लिए बेहद जरूरी है, इनको आपको याद करना चाहिए। तो ये बताया गया बच्चों आई ले, अब बताओ ये सेकंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है? मेरे तो समझ में आ गई, ये बच्चों फर्स्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आपको सर फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, क्योंकि आई को तो प्लूरल माना गया है, फिर इसमें ऐसे जुड़ेगा नहीं। ये सच है कि फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, लेकिन बच्चों आज ये देखो इधर, पहले वाला सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो स्टोरी तो पास्ट में चलती है, तो इसको सेकंड फॉर्म मानो। आई ले डाउन, और आगे देखो कुड भी आ रहा है। आई ले डाउन का अर्थ मतलब क्या हुआ? मैं नीचे लेट गया, बट आई कुड नॉट स्लीप, परंतु मैं सो नहीं सका। मैं धरातल पर लेट गया, मैं जमीन पर लेट गया, परंतु मैं सो नहीं सका। आई कुड नॉट स्लीप, आई कुड नॉट हैव अ गुड स्लीप, आई कुड नॉट हैव अ साउंड स्लीप, मुझे नींद नहीं आई।
नींद कैसे आ सकती थी? आई गॉट अप, मैं उठ बैठा, गॉट अप। आपका मतलब जानते हो बच्चों? अप के बारे में समझो। देखो बच्चों, यों गति करोगे तो अप, यों गति करोगे तो डाउन। स्टैंड अप, ऊपर की ओर गति हो रही है, सिट डाउन, नीचे की ओर गति हो रही है। तो यही बात है बच्चों, कम डाउन, अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स। ठीक है, अप स्टेयर्स का मतलब जीना के ऊपर चढ़ना, और डाउन स्टेयर्स का मतलब जीना के नीचे आना। जीना मानी सीढ़ियां होती है। ठीक है, ओके। तो यहां बताया गया है कि आई गॉट अप माने मैं उठ बैठा, एंड वेंट आउट अर्थात मैं बाहर निकल गया, कहां पर? टू द वेरांडा। ये वेरांडा और बरामदा एक ही बात है। कई ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो अंग्रेजी और हमारे हिंदी में क्या मिल जाते हैं, कैसे? जैसे एकेडमी, अब हिंदी अनुवाद करो अकादमी, कोई फर्क? नो फर्क। उसी तरीके से बच्चों बताओ, बहुत सारे शब्द हैं, लूट, LOOT, लूट यानी क्या होता? लूट, लूट मतलब लूट, ये अंग्रेजी में भी लूट, हिंदी में भी लूट, एकेडमी बताई दी आपको। टेक्नोलॉजी जैसे टेक्निक, हिंदी अनुवाद करो तकनीक, टेक्निक को तकनीक कर दिया। तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है जी, कुछ शब्दों को हम क्या करते हैं जी, ऐसे जोड़ जांट के बना लेते हैं। तो यहां वरांडा और बरामदा का चक्कर यही है, आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा, अर्थात मैं उठ गया और बरामदे की ओर बाहर चला गया, फॉर अ लिटिल एयर, इन ऑर्डर टू टेक सम फ्रेश एयर, कुछ ताजी हवा लेने के लिए, क्योंकि दम घुट रहा था। आई वॉज फीलिंग सफोकेटेड, मैं सफोकेशन महसूस कर रहा था, दम घुट रहा था। तो आई वेंट आउट, मैं बाहर चला गया, क्यों? इन ऑर्डर टू हैव सम फ्रेश एयर, इन ऑर्डर टू हैव ए गस्ट ऑफ फ्रेश एयर, इन ऑर्डर टू हैव ए करंट ऑफ फ्रेश एयर, ताजा हवा का एक झोंका, ताजा हवा का झोंका लेने के लिए, ऊर्जावान होने के लिए मैं बाहर चला गया। बट द विंड गुड, परंतु ऐसा लग रहा था मानो पवन का देवता। जानते हो बच्चों, पवन के देवता तो हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी के भी पिताजी हैं, पवन के देवता वो। तो बट द विंड गॉड, परंतु ऐसा प्रतीत होता था मानो पवन देवता सीम्ड, सीम्ड यानी ऐसा प्रतीत होता था, टू हैव टेकन टाइम ऑफ। टेक टाइम ऑफ का मतलब होता है बच्चों टेक लीव, ऐसा लगता था मानो पवन के देवता छुट्टी पर चले गए। मैं बाहर भी आ गया था, ताजी हवा का झोंका मैं लेना चाहता था, मैं अपने जो अंग हैं उन अंगों को क्या है कि थोड़ी हवा के अंदर थोड़ी अंगड़ाई उंगड़ाई लेकर के मरोड़ा मार के क्या है कि मैं शरीर को ऊर्जावान बनाना चाहता था। बट इट शिम्ड दैट द विंड ऑफ इट बट इट शिम्ड दैट द गॉड ऑफ विंड हैड गोन ऑन लीव, परंतु ऐसा प्रतीत होता था मानो हवा का देवता, मानो वायु का देवता जो था वो छुट्टी पर चला गया था। आई वेंट बैक टू द रूम, मैं वापस आ गया कमरे में। ध्यान दो, वेंट बैक तो सही है बच्चों, आई केम बैक भी सही है, लेकिन रिटर्न बैक कभी नहीं आता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है आई रिटर्न बैक टू द रूम, कहा जाता है शुद्ध करो बैक हटाओ, रिटर्न के बाद कभी बैक का प्रयोग नहीं होता, ये याद रहे बच्चों। रिटर्न अपने बाद कभी बैक नहीं लेता, और बच्चों रिवाइज अपने बाद में कभी अगेन नहीं लेता। जैसे आई रिवाइज माय कोर्स अगेन, अगेन की क्या जरूरत है? रिवाइज का मतलब भी बच्चों दोबारा वाइज करना है, दोबारा उसको अपनी विजन के अंदर दोबारा लाना है, रिमानी दोबारा होता है, इसलिए उसके बाद में बैक शब्द सॉरी वो जो है ना अगेन शब्द का प्रयोग करना अनावश्यक है। तो बच्चों बताया गया है कि आई वेंट बैक इनटू द रूम, देखो इनटू का प्रयोग क्यों हो रहा है बच्चों, आप समझो, जब कोई बाहर से अंदर आता है और गति के साथ आता है तो इनटू का प्रयोग होता है, लेकिन जब कोई अंदर ही अंदर गति करता है तो इनटू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, बच्चे तालाब में तैर रहे हैं। अब बच्चे तालाब में तैर रहे हैं तो बच्चे गति तो कर रहे हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर कर रहे हैं, इसलिए इनका ही प्रयोग होगा इनटू का नहीं। इन द सेम वे उसी प्रकार से मैंने आपको कहा शीज शूटिंग, शी इज स्टैंडिंग इन द किचन, वो किचन में खड़ी है तो चुपचाप खड़ी है तो इनटू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन बच्चों जब आप कहते हो शी केम इनटू माय रूम, अब बोलो इनटू लगा कि नहीं लगा, लगा ना। तो बच्चों आप जानो कि जब बाहर से कोई अंदर आता है गति के साथ आता है तो इनटू का प्रयोग होता है, लेकिन तीन क्रियाएं ऐसी है जिनके साथ में इनटू का प्रयोग करना सख्त मना है। नंबर एक पेनेट्रेट, ध्यान दो बच्चों पेनेट्रेट का मतलब क्या होता है? पेनेट्रेट यानी कोई बाण आए और आपके सीने में आकर के सीधा गुप जाए, चुभ जाए, उसे पेनेट्रेट कहते हैं, उसके बाद इनटू नहीं आता है। और आगे देखो बच्चों इन्वेस्टिगेट, ये बहुत परीक्षाओं में एसएससी वगैरह के एग्जाम में अनेक बार पूछा गया, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द मैटर। तो बच्चों ध्यान दो इनटू गलत होता नहीं आएगा। और एंटर भी एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में इनटू कभी नहीं लेती है, जैसे शी एंटर्ड माय रूम ये कहना सही है, परंतु शी एंटर्ड इनटू माय रूम ये कहना गलत है। तो बच्चों आपकी बात समझ में आ रही है और बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे समझा रहे हैं तो बहुत अच्छे से आएगी।
तो आई वेंट बैक इन टू द रूम, अर्थात मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, कमरे में घुस गया, मैं वापस कमरे में चला गया एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और बच्चों में जाके किसी पे बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया ऑन द चेयर। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये आम चेयर होती है तो इन द चेयर आता है, इन द आम चेयर, क्योंकि हत्तेदार कुर्सी के अंदर बैठा जाता है, स्टूल के ऊपर बच्चों ऊपर बैठा जाता है। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, बच्चों टेबल के नीचे एक दराज होती है, तो उस दराज को मैंने खोला। टेबल के नीचे बच्चों क्या होती है? एक दराज होती है, उस दराज को मैंने खोला। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मेज के नीचे की जो दराज है उसको मैंने खोला, एंड टुक आउट अ बुक, और एक किताब बाहर निकाली। किताब का नाम क्या था? द मेटेरिया मेडिका। अब डॉक्टर है, माने ये है तो थोड़ा पतला ही, पर डॉक्टर है तो डॉक्टर तो डॉक्टर की किताब पढ़ेगा, साहित्यकार कविताएं पढ़ेगा, विज्ञान का विद्यार्थी होगा तो इधर इधर ऐसी चीजें पढ़ेगा। तो मेटेरिया मेडिका नाम की किताब रात को जो है, आधी रात को दुनिया सो रही है, और ये हमारी जो डॉक्टर साहब हैं ये आधी रात को जग रहे हैं, दुनिया सो रही है, ये जग रहा है। अब मन नहीं लगे तो मेटेरिया मेडिका निकाल लिया, क्योंकि नींद की बहुत अच्छी दवाई है। जब आपको बच्चों नींद नहीं आई तो ग्रामर की किताब खोल के पढ़े, नींद आएगी, नींद आएगी, कोई गोली वोली लेने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो आई ओपन इट एट द टेबल, मैंने मेज के ऊपर रख करके इस किताब को खोला। ऑन विच स्टूड द लैम्प, जिस टेबल के ऊपर एक लैंप पड़ा हुआ था, उस लैंप के बराबर में मैंने किताब को खोला। एंड लार्ज मिरर, और उस टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा मिरर या आईना माने दर्पण भी था। ए स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर, और बच्चों मिरर के पास में क्या था? एक स्मॉल कॉम यानी एक छोटा सा कंघा, एक छोटा सा कंघा बच्चों उस मिरर के पास में पड़ा हुआ था, एक छोटा सा कंघा उस मिरर के पास में पड़ा हुआ था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू ए मिरर, किसी भी आदमी के मन में लालच की भावना आ जाती है क्या, जब दर्पण सामने होता है तो दिल करता है कि अपनी सूरत को इसमें देखा जाए, देखता है आदमी, बालों को संवारता है आदमी, और नाना प्रकार की बातें सोचता है आदमी। तो वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू ए मिरर, अर्थात कोई भी आदमी जो है वो दर्पण में देखने के लिए ललचाया हुआ महसूस करता है। व्हेन इट इज नियर वन, जब ये अपने नजदीक होता है, आई टुक अ लुक, मैंने एक झलक देखी, किसकी? अपनी सूरत की देखी। इन दोस डेज, उस जमाने में, उन दिनों, आई वॉज अ ग्रेट एडमिरर ऑफ ब्यूटी, अर्थात मैं सौंदर्य का बड़ा फैन हुआ करता था। एंड बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं इस चीज में भरोसा करता था कि मैं अपने आप को स्मार्ट बनाऊं, हैंडसम बनाऊं, क्योंकि आखिरकार मैं एक डॉक्टर था और मैं एक कुंवारा था, तो डॉक्टर भी था और बच्चों ये मिस्टर बैचलर कुंवारा भी था। तो बताया गया है जी, आई वॉज अनमेरिड, मैं कुंवारा था एंड वॉज अ डॉक्टर, और साथ ही साथ में एक डॉक्टर भी था। तो मैं चाहता था कि मैं अपने आप को खूबसूरत दिखाऊं। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैं ये महसूस करता था कि मैं लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराऊं कि डॉक्टर है और कुंवारा है और बड़ा खूबसूरत है। तो आई पिकड अप द कॉम, मैंने अपना कंघा बाहर निकाला एंड रैन इट थ्रू माई हेयर, और अपनी जुल्फों के अंदर जो है मैंने उस कंघे को क्या बच्चों चलाया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, ध्यान दो बच्चों, पार्टिंग माने मांग होता है, मांग भरोसा जना, ये वाली है ना। तो मैंने अपनी मांग को क्या किया बच्चों, एडजस्ट किया सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि मेरी मांग जो है बिल्कुल सीधी शट और बच्चों साफ सुथरी नजर आए, और सामने वाला आदमी क्या हो जाए, मुझे देख करके मुझसे इंप्रेस हो जाए। तो इस बच्चों आज की बात ये समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।